रुबना किचन में आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से इजी और सिंपल गोला कबाब। तो गाइस आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बिलीव मी आप इसके फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, तिक्का मसाला, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, कचरी पाउडर, नमक। तो गाइस ये देखें बिल्कुल थोड़े से जो है वो इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं, लेकिन इतना जो है ये फुल ऑफ टेस्ट कबाब होते हैं। तो गाइस इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से जो है वो मैरिनेट हो जाए। तो गाइस ये देखिए हम इसको इस तरह का शेप दे लेंगे। तो गाइस मेरी रेसिपीज़ जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल होती हैं। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का विज़िट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा, थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो ये देखें हम इसको जो है वो शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। तो ये देखें इसको हम इस तरह जो है वो फ्राई करेंगे, इसको आराम से टर्न करेंगे और ये बहुत ही मज़े से जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखें मैंने इसको कवर कर दिया, अब मैं इसको टर्न करूँगी आराम से। तो हमारे गोला कबाब जो है वो रेडी होने वाले हैं 10 से 15 मिनट में। तो गाइस इसको मेहमानों के सामने सर्व करें, अपने बच्चों को दें, आप इसको लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी होते हैं, झटपट ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।